पार्टी है। तो इसलिए कांग्रेस से जब हमने चर्चा की, उनके बड़े लीडर्स से चर्चा की, तो उनमें जो उत्साह दिखना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, तो वो उत्साह कांग्रेस में दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम कोशिश करेंगे किसी भी तरह से, हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भोपाल से लेकर दिल्ली तक हम इसको सत्ता में नहीं आने दें। संविधान खतरे में है। अभी परसों की बात है, लगभग जो जंतर मंतर पर उन्होंने संविधान जलाया, उन लोगों ने संविधान जलाते समय जो नारे बोले हैं, वो नारे भारतीय जनता पार्टी के, भारत माता की, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जब संविधान जल गया इस देश में, और उस संविधान के ऊपर अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, संविधान उसके बारे में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब किसी भी देश का नागरिक होता है, नागरिक का सबसे ज्यादा स्नेह संविधान से होता है। नागरिकता और संविधान बड़े विषय है। हम लोग यहाँ कभी कभी सुनते हैं, चर्चा होती है कि किसी भी देश ने झंडा जला दिया, जैसे अभी कई बार प्रचार हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत का राष्ट्र ध्वज जला दिया है, कभी ऐसा होता है कि किसी देश ने और जला दिया। तो जिस देश का संविधान हो, उसी देश का नागरिक अगर उस देश का झंडा जलाए, उस देश का संविधान जलाए, तो ये संदेश जाता है कि संविधान को जलाने वाला दूसरा देश होता है। तो इन्होंने जो संविधान जलाया है, तो सरकार इसकी जांच करे, ये कहीं विदेशी लोग तो नहीं है।